बैनुल अक्वामी सरहद से थोड़ी दूर एक छोटी सी इमारत के गिर्द इस वक्त ज़बरदस्त फौजी पहरा था। मिलिट्री के मसला सिपाहियों ने इमारत को चारों तरफ से घेर रखा था। इमारत मुकम्मल तारीकी में डूबी हुई थी। इमारत के गेट पर दो सिपाही हाथों में मशीन गने उठाए चौंकने खड़े हुए थे कि दूर से एक कार का हिवला सा नज़र आया। कार की बत्तियां बुझी हुई थीं और वो आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई इमारत की तरफ बड़ी चली आ रही थी। कार को देखकर सिपाही और भी ज़्यादा चौंकना और मुस्तैद हो गए और उन्होंने मशीन गने हाथों में ले ली। कार आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई गेट के करीब पहुंचकर रुक गई। कार की छोटी बत्तियां तीन बार मखसूस अंदाज में जली और फिर बुझ गईं। एक सिपाही तेज़ी से कार की तरफ बढ़ा। उसने जेब से एक ताकतवर टार्च निकालकर रोशन की और कार में मौजूद अफराद के चेहरों पर लाइट डालनी शुरू कर दी। कार की अगली सीट पर दो फौजी अफसर मौजूद थे, जबकि पिछली नशिस्त पर भी दो फौजी अफसरों के दरमियान एक गंजे सर और तोते की नाक वाला बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। एक एक फर्द का चेहरा देखने के बाद सिपाही ने टार्च बुझा दी। कोड सिपाही ने टार्च जेब में डालते हुए सख्त लहजे में पूछा, ऑपरेशन शकरगढ़। ड्राइवर ने गंभीर लहजे में जवाब दिया, कोड गलत, ऐसे ही कोड बताओ वरना अभी फायर खोल दिया जाएगा। सिपाही ने पहले से ज़्यादा तलख लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने हाथ में पकड़ी हुई मशीन गन का रुख ड्राइवर की तरफ कर दिया। ऑपरेशन शकरगढ़ से ही कोड है, रास्ता छोड़ दो, ड्राइवर ने जवाब दिया। ओके सर, सिपाही ने इस बार मुदमाना लहजे में जवाब दिया और सलूट मारकर पीछे हट गया। कार रेंगती हुई आगे बढ़ी और फिर इमारत के पोर्च में जाकर रुक गई। इमारत के अंदर मौजूद सिपाहियों ने सलूट मारा और मुख्तलिफ समतों से सिपाहियों ने आगे बढ़कर कार के दरवाजे खोल दिए। कार में मौजूद तमाम अफराद बाहर आ गए। ड्राइवर बाहर निकलकर तेज़ी से कार की डिग्गी की तरफ आया। उसने डिग्गी खोली और उसमें से एक बड़ी सी मशीन जिस पर चमड़े का गिलाफ चढ़ा हुआ था बाहर निकाली। दो सिपाही आगे बढ़े और उन्होंने मशीन संभाल ली और फिर वो सब इमारत के एक कमरे में दाखिल हो गए। कमरे के अंदर रोशनी थी, अलबत्ता खिड़कियों और दरवाज़ों पर स्याह रंग के पर्दे पड़े हुए थे। वो सब मुख्तलिफ कमरों से होते हुए इमारत की पिछली तरफ बरामदे में आ गए, जहाँ छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थीं। कार से उतरने वाले सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर गए, जहाँ पहले से 10-12 मसला अफराद मौजूद थे और एक ट्राली छत पर मौजूद थी। सिपाहियों ने मशीन उस ट्राली के करीब जाकर रख दी। गंजे आदमी ने जो सादा लिबास में था मशीन पर से चमड़े का गिलाफ उतारा और फिर सिपाहियों को मशीन उठाने के लिए कहा। सिपाहियों ने मशीन ऊपर उठाई और फिर गंजे ने मशीन का निचला हिस्सा ट्राली के ऊपर फिट कर दिया। अब मशीन ट्राली में फिट हो चुकी थी। कार से उतरने वाले बाकी अफसर मौदमाना अंदाज में पीछे हटकर खड़े हो गए थे। गंजे ने मशीन का हैंडल दबाकर मशीन को ऊपर नीचे किया और फिर एक मखसूस जाविये पर उसे रोककर उसने मशीन का बटन दबा दिया। मशीन पर मौजूद मुख्तलिफ डायल रोशन हो गया और उन पर मौजूद सुइयां तेजी से हरकत करने लगी। गंजा आदमी इन डायलों को देखकर एक बार फिर मशीन को सेट करने लगा और फिर उसने एक मखसूस जाविये पर मशीन को फिट करके उसका एक और बटन दबा दिया। इस बटन के दबते ही मशीन पर मौजूद एक बड़ा सा डायल रोशन हो गया। उस पर सुर्ख रंग की सुई मौजूद थी और एक नीम दायरे की शक्ल में नंबर मौजूद थे। क्या ख्याल है, ऑपरेशन शुरू किया जाए? गंजे ने पीछे खड़े हुए एक अफसर से मुखातिब होकर कहा। यस सर, अफसर ने मुदमाना लहजे में जवाब दिया। ओके, गंजे ने कहा और फिर उससे आगे बढ़कर मशीन पर मौजूद एक सुर्ख रंग का बटन दबा दिया। बटन दबते ही मशीन में ज़बरदस्त गूंज की आवाज़ पैदा हुई और बड़े डायल पर मौजूद सुर्ख रंग की सुई तेज़ी से हरकत करने लगी। जब सुई एक मखसूस हिस्से पर पहुंची तो गंजे ने, जिसकी निगाहें सुई पर जमी हुई थी, तेज़ी से मशीन की साइड पर लगे हुए एक हैंडल को नीचे कर दिया। हैंडल के नीचे होने से गूंज यकदम ख़त्म हो गई और सुई तेज़ी से वापस ज़ीरो पर आ गई। उसके साथ ही गंजे ने मशीन के बटन तेज़ी से ऑफ करने शुरू कर दिए और मशीन के तमाम डायल तारीख हो गए। इसके साथ ही गंजे ने एक तवील सांस ली और फिर पीछे खड़े अफसर से मुखातिब हो गया। ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है, शकरगढ़ पर क़यामत टूट चुकी है, गंजे ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा। ओह, हैरत अंगेज़, अगर वाकई ऐसा हो चुका है तो यकीन जानिए प्रोफेसर, आपने अपने मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बना दिया है, अफसर ने मुसर्रत भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। और फिर उसने सिपाहियों को इशारा किया और सिपाहियों ने मशीन पर गिलाफ चढ़ाया और फिर मशीन को ट्राली से नीचे उतार कर सीढ़ियाँ उतरते चले गए। आइए प्रोफेसर, सुबह तक शकरगढ़ की मुकम्मल रिपोर्ट मिल जाएगी, अफसर ने मुदमाना लहजे में गंजे से मुखातिब होकर कहा। हाँ चलिए, सुबह इसकी मुकम्मल रिपोर्ट मुझे मिल जानी चाहिए, मैंने इस सिलसिले में वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करनी है, प्रोफेसर ने कहा और फिर वो अफसरों के साथ सीढ़ियाँ उतरता चला गया। मशीन कार की डिग्गी में रख दी गई थी। प्रोफेसर कार में सवार हो गया और कार जिस तरह अंधेरे में रिंगती हुई आई थी उसी तरह वापस चली गई। चारों तरफ मुकम्मल सकूत छाया हुआ।
यूं लगता था जैसे कैनात ने सांस लेना बंद कर दिया हो, मगर वहां से 10-12 मील दूर शकरगढ़ पर खौफनाक क़यामत टूट चुकी थी। 2000 अफराद एक लम्हे में लुकमे अजल बन चुके थे। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड इख्तिताम पजीर हुई। मज़ीद अच्छी अच्छी और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको बर वक्त पहुँच सकें। शुक्रिया।